मैं बहुत मुख्तसर बात करूंगा, सिर्फ तीन मिनट, एग्जैक्ट तीन मिनट। आपने मेरी बात सुन ली है। सबसे पहले मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे ये माजरत चाहता हूं कि अगर कोई हमसे कमी कोताही हुई हो, स्वाभाविक ही लोगों ने आपकी खिदमत की होगी, अगर थोड़ी बहुत भी हमसे कमी कोताही उसके लिए हम माजरत ख्वाहें। मेरे पूरे पाकिस्तान, कराची, बलूचिस्तान, पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर से और सवाबी के गांव-गांव से आए हुए भाइयों, अस्सलाम वालेकुम बहनों, अस्सलाम वालेकुम। तीन बात है, ये जलसा सिर्फ जलसा नहीं है, ये जलसा एक तारीख है, ये जलसा तारीख भी है और इनकलाब भी है। ये जलसा इस बात का अजम है कि हम इस मुल्क को कानून और आईन के मुताबिक चलाएंगे। ये जलसा इस बात का आद है कि हम हमारे सब जो पाकिस्तानी शहरी हैं इनकी हुकूक बराबर है। इस वक्त जो मुल्क पे हो रहा है, मुल्क पे कोई कानून नहीं है। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे बलोची भाई, इस वक्त वो धरने पे है, एहतजाज पे है, उसके खिलाफ गोलियां बरसाई जा रही है, बजाय उसके साथ डायलॉग की जाए, उसके खिलाफ स्टेट अपना तशद्दुद का रवैया रखा हुआ है। आपने बनू में देखा, आपने फाटा में देखा और दूसरे इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी कबायली एहतजाज कर रहे हैं कि इनको रोजगार का मौका दिया जाए, लेकिन उसको मौका नहीं दिया जा रहा, उसको दबाया जा रहा है, उसके खिलाफ हठधर्मी कायम की गई है। आपके सूबे की हुकूमत है, इसके साथ जो सलूक रखा गया, न हमारे पैसे दी जा रहे हैं, फंड दी जा रहे हैं, न पूरी तरह कोशिश हो रही कि हमारी हुकूमत को नाकाम किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आलमीन तकड़ा है, मुकाबला करेगा इंशाल्लाह। मेरा गला बहुत बुरा खराब है, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं भाइयों कि आप सब ने इमरान की पुकार पे निकलना है कि नहीं निकलना, निकलना है इंशाल्लाह। मैं बात रखता हूँ, बेसबाव का शुक्रिया।